नजर आते हैं रविशंकर प्रसाद? नहीं जी आते हैं, नहीं आते हैं, नजर नहीं आते हैं। अब चुनाव होगा तब ये नजर आवेंगे, ऐसे रविशंकर बाबू नजर नहीं आते हैं अपने क्षेत्र में। 14 साल उन लोग राज चलाए, 14 महीना तेजस्वी भी चलाए, नौकरी देख लीजिए तेजस्वी जी का, रविशंकर जी का क्या देखा रहे हैं। देहात क्षेत्र और ग्रामीण में कभी झांकने तक नहीं आया है, वैसा एमपी को जिता के क्या करेगा लोग। बनाए अब काम में नहीं करेंगे तो उसका बहिष्कार नहीं करेगा, एक बार बन गए तो 20-60 साल के लिए सर्विस है उनका। 2 लाख वोट से ये तो जनता निर्णय करेगी। लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। अरे जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। 2 लाख वोट से जो हम कह रहे हैं देख लीजिएगा, 2 लाख वोट से जीतेगी। हाँ ईवीएम है खोगा, 70 साल तक ये जीतेगा। ईवीएम है खोगा तब ये जीतेगा। बोले कि 70 साल में अगर कांग्रेस विकास नहीं करता तो बीजेपी क्या बेचता। मोदी जी रेलवे को बेच के चवनप्राश खा रहे हैं। एमएम एमबीए चाय वाला है, बीटेक चाय वाली है, उन लोगों को हम, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से ही, बीजेपी का जो प्रधानमंत्री है उन्हीं से वो लोग प्रोत्साहन लेकर के आज चाय बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। करने के लिए योजनाएं तो बन रही है ना, योजनाएं आखिर बन रही है, उन्हीं पर काम। योजनाएं धरातल पर कहाँ है मैम, योजनाएं तो धरातल पर नहीं दिख रही है, सब कागजी है। और जनता को कहते हैं कचरी और फुलौड़ी बेचने के लिए, अभी बताइए जब सब कचरी और फुलौड़ी बेचेगा तो खाएगा कौन। और जनता को कहते हैं कचरी और फुलौड़ी बेचने के लिए, अभी बताइए जब सब कचरी और फुलौड़ी बेचेगा तो खाएगा कौन, ये बताइए कि खाएगा कौन। रविशंकर प्रसाद आप लोगों के सांसद है, कितना बिल्कुल बिल्कुल कंसील, बिल्कुल कंसील हमारे, एकदम नाम ले लीजिए रविशंकर प्रसाद को। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। लोकसभा चुनाव अब सर पर है और ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। पटना साहिब क्षेत्र की अगर बात करें तो एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद यहां से प्रत्याशी बने हैं। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं फतुहा के बंका घाट स्थित कच्ची दरगाह के क्षेत्र में, जहां पर आप देख सकते हैं साफ तौर से कि हमारे साथ स्थानीय लोग जो है वो यहां पर मौजूद है और इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस क्षेत्र के मुखिया जी हमारे साथ हैं, सबसे पहले शुरुआत इनसे करते हैं। सर, सांसद रहे हैं रविशंकर प्रसाद, कितना विकास क्षेत्र का हुआ है? विकास की जहां तक बात होती है तो यहां तो हम लोग कहीं नज़र ही नहीं आता है विकास का। आप अगर उठा के कहीं भी आए होंगे रास्ता में तो कहीं एक बोर्ड भी लगा होगा या 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के पर में कहीं भी बोर्ड उनका नहीं लगा हुआ। विकास का मतलब कहीं कुछ अगर सड़क भी बनाते हैं तो वहाँ पर कहीं बोर्ड उड लगा रहता है, यहाँ कहीं भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है। हमारे नज़र में तो पूरा फतुहा बाज़ार में कुछ होगा कहीं पे, लेकिन उसके बाद जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे कहीं भी बोर्ड उड नहीं लगा है, इसलिए कोई विकास नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई विकास नहीं। ऐसे में जनता तो वोट उन्हें ही देती है ना सर? नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ वोट विकास पर करने वाले को दिया जाएगा। विकास पुरुष अभी तेजस्वी जी हैं, नौजवानों का नेता है, तो हम लोग सब जो तेजस्वी जी जिनको भी टिकट देंगे उनको ही वोट देंगे। चलिए, क्या लगता है सर कितना विकास हुआ है आपके एरिया? ये लोकसभा चुनाव देश के दिशा और दशा को तय करता है। इस संदर्भ में जो अभी विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो माहौल बन रहा है उसमें एक मजबूत शासक की आवश्यकता है, मजबूत लोकतंत्र के चलाने वाले की आवश्यकता है, इसमें एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है। तो जनता को चाहिए कि मजबूत सरकार को चुने। तो वैसे भी क्या लगता है विकास इस क्षेत्र का कितना हुआ है इतने सालों? विकास तो मिला जुला के हुआ है, और फिर एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं रविशंकर जी, वकील रह चुके हैं और इन्होंने कुछ काम किया है और देश के प्रति इनका सकारात्मक सोच है, इसलिए इनका काम किया, हाँ काम किया है। नजर आते हैं रविशंकर प्रसाद? नहीं जी आते हैं, नहीं आते हैं, नजर नहीं आते हैं। अब चुनाव होगा तब ये नजर आवेंगे, ऐसे रविशंकर बाबू नजर नहीं आते हैं अपने क्षेत्र में। अच्छा, हाँ दिखाई नहीं देते? नहीं जी।
विकास कितना हुआ? विकास 0%, जीरो में भी माइनस लगा दीजिएगा तो वही हुआ है। हाँ नहीं, इससे पहले मुखिया जी बोले सत्य बात है, जो 5 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी उनका बोर्ड देख लीजिए, कहीं भी उनका बोर्ड देख लीजिए ना, कहीं पे नहीं मिलेगा। थोड़ा सा शहरी क्षेत्र में वही कहीं पे और बोर्ड मिलेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तो उनका नामो निशान नहीं है। अभी 14 साल उन लोग राज चलाएं, 14 महीना तेजस्वी भी चलाएं, नौकरी देख लीजिए तेजस्वी जी का, रविशंकर जी का क्या देखा रहे हैं भाई साहब। बोले भारतीय जनता पार्टी तो एक बार फिर से उन्हें टिकट दे रही है ना, दे रही है तो उनका उनका वक्तव्य है उनका, वो अपना टिकट काम किए होंगे तभी तो टिकट दिया गया। काम जल्ला क्षेत्र में उनका काम नजर नहीं आता है, नहीं आता नहीं। 10 साल में वो क्या किए कुछ क्षेत्र में बताएंगे, शहर में जो काम किए होंगे जो किए होंगे, देहात क्षेत्र और ग्रामीण में कभी झांकने तक नहीं आया है। वैसा एमपी को जिता के क्या करेगा लोग, जो कभी ऐबे नहीं करता है, सुख दुख में शामिल नहीं है, वो दिल्ली रहते हैं, दिल्ली से पटना उगाएंगे कब, और उनका वर्कर क्या करेगा नहीं करेगा उसका कोई पता है? कहीं जाके देखिए क्षेत्र में, फतुहा विधानसभा क्षेत्र में पता कीजिए कि क्या वो बोर्ड है, उनका क्या विकास है। अभी भी कच्ची सड़क है, क्या कर सकते हैं एमपी को? आप फिर दोबारा टिकट दिया, कौन वोट देगा उनका? बहिष्कार करेगा लोग वैसा संसद को? अच्छा, सांसद तो आप ही लोग बनाए ना, और बनाए आप काम में नहीं करेंगे तो उसका बहिष्कार नहीं करेगा? एक बार बन गए तो वो 20-60 साल के लिए सर्विस है उनका, कि प्राइवेट उनका 5 साल में चेंज किया जाएगा, उनका चेंज किया जाएगा, क्या करते हैं विकास में? नहीं दिया जाएगा, उसका बहिष्कार है अभी। जो महागठबंधन से जो प्रत्याशी आएंगे उनको हम लोग जिता देने का काम करेंगे। 5 साल में परिवर्तन करना जरूरत का चीज़ है, तब विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितना विकास हुआ है? विकास हुआ, अभी जल्ला पूरा हमारा जल्ला डूबा हुआ रहता था, अभी जाके देखिए दो सम्प हाउस का काम चालू है, जो रविशंकर प्रसाद का देन है। अमृत भारत योजना के तहत फतुहा में 36 करोड़ रुपये याद दिलाने का काम किए रविशंकर प्रसाद जी, जिस जो फतुहा स्टेशन का विकास होगा, काम कैसे नहीं किए इसी काम पे, और मोदी जी के काम पे वोट पड़ेगा। लेकिन ये भाई कह रहे थे कि विकास कुछ नहीं हुआ है, 0% सम्प हाउस का काम यही है ना, कि कागजी काम हुआ है। और पटना में जो भी आता है बाढ़ का पानी चाहे बरसा से, उसी का उपज कर हमारा जल्लेवासी के परेशान करे ला, उस सम्प हाउस बना है, नहीं काम हो रहा है जी। मौली मर्ची खानपुर सब डूबता है तो पानी नहर में डाला जाता है, उसको किसी गांव में नहीं छोड़ा जा रहा है, वहां जाके देखने का चीज़ है। अभी भी काम चालू है, प्रोग्रेस पे है? नहीं, एकदम जीरो है। हाँ, कोई काम नहीं किया, अभी तो एकदम जमानत भी नहीं बचा पाएंगे रविशंकर बाबू। 2 लाख वोट से जीतेंगे, 2 लाख वोट से जीतेंगे। ये तो जनता निर्णय करेगी। लालू यादव जिंदाबाद, तेज तेजस्वी जिंदाबाद। अरे जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। 2 लाख वोट से जो हम कह रहे हैं देख लीजिएगा, 2 लाख वोट से जीतेगी। ईवीएम है खोगा 70 साल तक ये जीतेंगे, ईवीएम है खोगा तब ये जीतेंगे। उनका बोले कि 70 साल में अगर कांग्रेस विकास नहीं करते तो बीजेपी क्या बेचता, क्या बेचता? जब उसने रेलवे बेचा, निजीकरण किया, SBI को भी कर रहा है, जीवा और भारतीय जीवा बीमा और ये सब का निजीकरण जो कर रहा है, तो कहाँ से 70 साल अगर विकास नहीं करता तो ये अपना 10 साल में विकास कर दिया, पूरा रेल का पटरी पर बिछा दिया 10 साल में, पूरा जो भारत में विकास है 10 साल में हो गया। वो तो पहले से विकास है, तभी नहीं बेच के अभी चाहे जो भी कर रहे हैं, निजीकरण कर रहा है, चाहे जो भी कर रहे हैं। मोदी जी, मोदी जी रेलवे को बेच के चमन पराज खा रहे हैं, अपने चाय बेच बेच के देश के आप देख सकते हैं। मैम MBA चाय वाला है, BTEC चाय वाली है, उन लोगों को हम मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से ही, BJP का जो प्रधानमंत्री है उन्हीं से वो लोग प्रोत्साहन लेकर के आज चाय बेचने पर मजबूर हो चुके हैं, कि उन्हें लगता है कि चाय बेचने वाला अगर देश का प्रधानमंत्री हो सकता है तो हम भी चाय बेचें। यही तो विकास है कि जो लोग अपना व्यापार करने के लिए योजनाएं तो बन रही है ना, योजनाएं आखिर बन रही है, उन्हीं पर काम। योजनाएं धरातल पर कहाँ है मैम? योजनाएं तो धरातल पर नहीं दिख रही है, सब कागजी है। आप तो बन रही है, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है मोदी जी का फोटो के साथ, एक गरीब के साथ मजाक है, एक गरीब के साथ मजाक है। एक आदमी 5 किलो भर महीने में चाव खाएगा, एक महीना में 5 ही किलो से पेट भर जाएगा, तो गरीब के साथ मजाक न है? मजाक कर रहे हैं, अपना बड़का फोटो लगा रहे हैं दाढ़ी वाला,
अच्छा ठीक है, आप लोगों के क्षेत्र में कितना विकास हुआ आप बताइए। हमारे क्षेत्र में विकास का अच्छी नहीं सुनिए, वो तो खुद चाय बेचते ही हैं और जनता को कहते हैं कचरी और फुलौरी बेचने के लिए। अभी बताइए, जब सब कचरी और फुलौरी बेचेगा तो खाएगा कौन? ये बताइए कि खाएगा कौन? आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी जनता के लिए क्या कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि कोई आज तक 60 साल तो दूसरा था, 10 साल से ये हैं, 70 साल हो गया, लेकिन ऐसा कोई प्रधानमंत्री भारत में नहीं आया जो जनता को ठगा। अच्छा ठीक है, रविशंकर प्रसाद आप लोगों के सांसद हैं, कितना? बिल्कुल बिल्कुल कंसील, बिल्कुल कंसील हमारे, एकदम नाम ले लीजिए रविशंकर प्रसाद को, हम लोग नाम सुनना नहीं चाहते हैं। हाँ, ऐसा गंदा है रविशंकर प्रसाद की फतुहा क्षेत्र में आज तक मुंह नहीं दिखाने के लिए है। कभी नहीं आया, हाँ एक बार हम लोग माफ़ कर दिए, दोबारा वही बात है, अब तीसरा बार तो हम लोग नहीं थे। एक बार माफ़ किए हैं, अगर साफ कर देंगे। नौ प्रसाद जी से, जो मेरा यहाँ बंकाघाट स्टेशन है, मैं खुद हूँ और मेरा मुखिया है मनोज मुखिया पुनाडी का, हम दोनों आदमी यहाँ रेलवे के रेलवे स्टेशन के पास गए, कुछ ट्रेनें कोरोना काल में बंद हो गई थी, मैंने खुद जाके उनसे डिमांड किया, लिखित में भी किया, लेकिन वो आज तक प्रोसेसेस नहीं दिए। आज मेरे यात्रियों से पूछ लीजिए यात्रा कि दोपहर में क्या होता है, आने जाने की सुविधा, जो भी ट्रेन चल भी रही थी एक दो वो भी बंद हो गई। हाँ वो बंद हो गई, हम कहें कम से कम उसको भी चालू कर दीजिए। नहीं, नई स्टॉपेज नहीं देते हैं तो पुरानी स्टॉपेज जो ही मेरा दे दीजिए, लेकिन हाँ लेकिन वो भी नहीं आज तक दिए हैं, तो क्यों मैं आपका नाम लूँ, क्यों मैं आपको वोट दूँ? ये मोदी जी जो है ना प्रचार मंत्री हैं, प्रचार मोदी हैं, झूठे वादे कहते हैं कि मैं काला धन लाऊंगा, काले धन वाले को अपने चौकीदारी में देश से बाहर कर रहे हैं, ये तो हर कोई जान रहा है। चौकीदार चोर है जुमलेबाज जी। और एक बात और है मैम, कि सबसे पदाधिकारी जो अधिकारी है, टोटल अधिकारी बिना पैसा का ये वो काम नहीं करता है, ब्लॉक में प्रखंड में जो भी अधिकारी है, एक पैसा बिना हुआ ले लेगा, मोटेशन करावे जाइएगा तो 4,000 रुपया लेते हैं, तो क्या करेगा आदमी? वो हाफी डिप ऐसी जातीय आवासीय बनाने जाइएगा तो 200 रुपया मांगेंगे, जन्म प्रमाण पत्र बनावे जाइएगा तो वैसा ही दशा है। इस बार नहीं देंगे, नहीं देंगे सर हम लोग वोट जी नहीं। अब MBA करके PhD करके लड़का तकारी बेचेगा, फुलौड़ी छानेगा, चाय बेचेगा, प्रधानमंत्री देश के जो कहते कि फुलौड़ी छाने तकारी बेचे, उसका बाप का बेटा कितना पढ़ा लिखा हुआ है कि वो BCCI के अध्यक्ष बना हुआ है, अमित शाह का वोट बड़ा मुद्दा आप लोगों का क्षेत्र, नहीं देंगे वोट, नहीं को वोट देंगे। इस बार हम लोग तेजस्वी को ही जो वो अपने तय करेंगे, अपना जो प्रत्याशी तय करेंगे महागठबंधन को, हम लोग इस बार तहे दिल से उनको ज्यादा से ज्यादा वोट दें और हम खुद जा करके प्रचार भी करेंगे उनका कि जितना ज्यादा हो भाइयों बहनों तेजस्वी यादव के प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय दिलाएं और फतुहा प्रखंड को विकास की ओर ले चले। एक बार फिर से हम लोग तो ना देंगे वोट तेजस्वी यादव को देंगे, इसलिए कि वो 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए हैं और जो वादा मतलब हमेशा आप लोग भी न्यूज में चलाती हैं कि जदयू के साथ अगर आ जाता है RJD तो यहाँ जंगल राज आ जाती है, तो मतलब RJD उस समय बदनाम हो जाती है कि मतलब RJD के कारण यहाँ जंगल राज आ गया, लेकिन जब 17 महीने में जब नौकरी दिया गया तो उसका श्रेय जदयू लेना चाहता है, इसका भी श्रेय आप RJD को दीजिए और तेजस्वी यादव को दीजिए। जंगलराज होते हुए भी 17 साल नहीं नहीं दीजिएगा आप, नहीं बताइए नहीं नहीं देंगे RJD को, तेजस्वी प्रसाद को, तेजस्वी यादव को, महागठबंधन से जो प्रत्याशी खड़ा होगा हम लोग वोट उसी को करेंगे। तो देखिए साफ तौर पर फतुहा जो कि पटना साहिब क्षेत्र के अंडर में आता है, उनसे बातचीत जनता से कर रहे थे यहाँ पर, और ऐसे में साफ तौर से जनता का क्या कुछ कहना था वो आपने सुना। जनता कह रही है कि इस क्षेत्र में विकास
केवल नाम मात्र का है और ऐसे में इस बार रविशंकर प्रसाद को वोट जनता नहीं देगी। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।